आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए वर्किंग ट्रांजिस्टर विद इट्स थ्री लैक मार्क एज पी क्यू आर इज टेस्ट यूजिंग ए मल्टीमीटर नो कंडक्शन इज फाउंड बिटवीन पी ओ क्यू

तो यहाँ पे देखो एक वर्किंग ट्रांजिस्टर है और उसकी थ्री है पे हमारी और उस पे मार्क है पी क्यू आर ओके अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा हमारा पी है और क्यू आर क्या है मतलब कि एमिटर है कलेक्टर है ओके okay, इनकी पोजीशन का अभी हमें कुछ नहीं पता ओके okay, अब बोला है आगे कि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं एक मल्टीमीटर से तो नो कंडक्शन इज फाउंड बिटवीन द पी एंड क्यू ओके तो यहाँ पे देखो इन द दे ट्रांजिस्टर जैसे कि हमें पता होता है कि जो सर्किट होता है हमारा ओके okay, जो डायग्राम है पीएनपीओ एन पी एन ट्रांजिस्टर में ओके okay, तो कुछ इस तरीके का होता है ओके okay, और यहाँ पे ये प्लेट होती है हमारी किसकी ये प्लेट होती है हमारी वेस वाली ओके okay, ओके okay, ये होता है यहाँ पे हमारा वेस ओके okay, और यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि नो कंडक्शन इज फाउंड बिटवीन पी एंड क्यू ओके और पी और क्यू के बीच में कोई कंडक्शन नहीं होता तो यहाँ पे देखो हमें पता होता है कि अगर इस ट्रांजिस्टर पर देखो मैं बात करता हूं कि यहाँ पे P एंड Q हमारे ये वाले पॉइंट हो गए मतलब कि यहां तो कलेक्टर हो सकता है या फिर एमिटर हो सकता है P ओके P और Q कुछ भी हो सकते हैं मतलब कि Q हमारा कलेक्टर हो सकता है और P हमारा एमिटर भी हो सकता है ओके जैसे अभी देखो मैंने माना कि P और Q ये होंगे क्योंकि तब तक हमारा कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती जब तक हमारा वेस्ट में कोई करंट हमारा ना हो ओके तो यहां पे क्या होगा P और Q हमारे ये पॉइंट हो जाएंगे मतलब कि P ये हो जाएगा Q ये हो जाएगा ओके okay, देन हमारा आर ये हो जाएगा फिर ओके okay, पी और क्यू क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया कि नो कंडक्शन इज फाउंड बिटवीन पी एंड क्यू ओके तो यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर के बीच में हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता ओके okay, जब तक हमारा बेस में कोई करंट हमारा फ्लो ना हो ओके okay, तो अब यहाँ पे देखो ये हमें बात पता चल गया कि यहाँ पे वेस्ट जो है वो हमारा आर से रिप्रेजेंट है ओके okay, तो आर एज ए वेस्ट ओके तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद एज ए वेस्ट ओके okay, तो इस बात को अभी तक ये हमारा इतने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आंसर लगा सकते हैं ये बट आर अभी किसी भी ऑप्शन में दे सकता था मतलब की पीएनपी में भी दे सकता था अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि पीएनपी एन ट्रजिस्टर है ओके okay, अभी देखो हमें ये तो पता चल गया कि पी और क्यू के बीच में आ, हमारा क्या हो रहा कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा कंडक्शन नहीं हो रहा मतलब कि पी और क्यू हमारे कलेक्टर और एमिटर में हो सकते हैं ओके okay, तो आर ये बात तो कन्फर्म हो गई कि आर जो होगा हमारा वेस्ट होगा ओके okay, अब आगे बोला है कि जो टर्मिनल है ऑफ द मल्टीमीटर टू आर एज नेगेटिव ओके ऑफ़ क्या बोला है कि कनेक्टिंग द कॉमन नेगेटिव टर्मिनल ओके अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे से ओके किससे नेगेटिव से ओके okay, आगे के जो पी और क्यू है उनको हमने ले लिया पॉजिटिव ओके बट यहां पे देखो उसने बोला है कि क्यू सम मल्टीमीटर ओके अब प्योर क्यों से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है में होगा. किस में होगा? में. तभी हमें रेजिस्टेंस सो होगा मल्टीमीटर के अंदर ओके तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो निगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके वेस्ट को ओके और इनको क्या करना पड़ेगा

पॉजिटिव हो गया और P और Q यहाँ पे हमारे क्या हो Negative. Negative का मतलब N और यहाँ पे ये हो गया P और यहाँ पे ये हो गया हमारा N ओके okay, तो ये जो ऑप्शन है और R जो होगा यहाँ पे वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा वेस को रिप्रेजेंट करेगा ओके okay, ये हमारा वेस हो गया और P जो हो गया यहाँ पे हमारा कलेक्टर हो गया और Q जो हो गया यहाँ पे हमारा वो एमटर हो गया